में हम ऑनलाइन तरीके से वैन फंड ट्रांसफर करना सीखेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग से। तो इसके पहले हमने वैन बेनिफिशियरी को ऐड करना सीखा था, तो आप जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा ऑनलाइन एसबीआई, फिर इसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो लाल बॉक्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको पर्सनल बैंकिंग नीचे दिखाई दे रहा हो लॉगिन वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे ऊपर की ओर दाएं तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा हो कंटिन्यू टू लॉगिन वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल के अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेना है। देख सकते हैं सफलतापूर्वक नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन हो गए हैं। अब आप ऊपर की ओर बाई तरफ देखेंगे आपको लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा पेमेंट्स एंड ट्रांसफर, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे विद इन एसबीआई का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, उसमें लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ वैन वर्चुअल अकाउंट नंबर फंड्स ट्रांसफर, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको उस खाते को चुनना है जिसके आपको पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो हमें दो अकाउंट दिखाई दे रहे हैं करंट और सेविंग, तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट्स करने वाले हैं, तो हम करंट अकाउंट को चुन लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा अमाउंट, तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 1 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर करके इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पे 1 रुपए अंकित कर देते हैं। आपसे यहाँ पे पर्पस पूछेगा, तो आप सिलेक्ट पर्पस में क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे विकल्प दिखाई देंगे। अगर आप वहाँ पे डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट भी चुन सकते हैं, और आप चाहें तो वहाँ पे अदर्स चुन लेंगे। हम वहाँ पे अदर्स चुन लेंगे और वहाँ पे रीज़न बता देंगे कि हम ट्रेडिंग के लिए करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम अदर्स वाले विकल्प चुनेंगे और वहाँ पे रीज़न हम लिख देंगे फॉर ट्रेडिंग। तो आप भी इसी तरह कुछ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा आपने बेनिफिशियरी ऐड किया, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फुल वैन में, आपको उसका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, बेनिफिशियरी का नाम दिखाई दे रहा है जैसे आप देख सकते हैं। उसकी फंड ट्रांसफर लिमिट हमने यहाँ पे 100 रुपये रखी है अभी। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा पेमेंट ऑप्शन, आप पे नाउ इसी डायरेक्ट करके कर सकते हैं या शेड्यूल लेटर पे करके आप यहाँ पे डेट और टाइम बता के सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाउ अभी करेंगे और उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाली बटन, तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो एक बार सारी जानकारी पर पूरी जाँच लेंगे जो जो आपने यहाँ पे अंकित की है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रोल डाउन करना है और नीचे दिखाई देगी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। अब आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी को यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रही कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो फंड ट्रांसफर है वो सफलतापूर्वक यहाँ पे कर दिया गया है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, तो आप जैसे देख सकते हैं। तो आप भी चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से ऑनलाइन तरीके से वैन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने वैन बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो जैसे मैंने प्रक्रिया में बताया, आप इसी प्रक्रिया का पालन करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।